भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। और लिखा कि जजपति शहादत का क्या करे दोस्तों, वो भगत सिंह कहने लगा कि जजपति शहादत का क्या करे दोस्तों, जब हथेली पे हमने ये सर ले लिया है। मोहल्ले में घर ले लिया है, घर ले लिया है। और क्या लिखा, फिर सो सो पड़े मुसीबत बेटा, सो सो पड़े मुसीबत बेटा, उम्र जवान में भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में, भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में, फिर सो सो पड़े मुसीबत बेटा, सो सो पड़े मुसीबत सजनों। नंबर पहली गली के माध्यम से वो माँ क्या कहने लगी, सुनेगा आजाद करवाऊंगा। अब सजनों, आपका अपना घर है, मकान है, उसमें कोई और कब्जा कर ले तो आप सहन कर सकते हो, नहीं सहन कर सकते। सजनों बताया, उस छोटे से बच्चे में ही कुछ कर दिखाने का जुनून और जज्बा था। सजनों नंबर दूसरी गली में वो अंग्रेज कहने लगे, थप्पड़ मार दिया भगत सिंह के भरकर। और
और न्यू कहने लगे कि रे भगत सिंह, हम अंग्रेजों से माफी मांग ले, तेरी फांसी की सजा माफ कर देंगे। सजनों वो भगत सिंह था, वीर था, यूं कहने लगा कि रे अंग्रेजों, माफी तो दो प्रकार के लोग मांगते हैं, एक वो जो गद्दार होते हैं और दूसरे वो जो गुनेगार होते हैं। ना तो मैं तुम अंग्रेजों का गुनेगार हूँ और ना अपने देश भारत माता का गद्दार हूँ। मर तो सकता हूँ पर माफी कभी नहीं मांगूंगा। किसी ने लिखा कि अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, शहीदों के सर का कफन बिक रहा है। कि अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, शहीदों के सर का कफन बिक रहा है। और बुरा ना मानो, आज जब समाज बैठा है, पंच पंचायत बैठे हैं, और बुरा ना मानो तो खुले अल्फाजों में कह दूं यारों और दोस्तों, कुछ गद्दार कमीनों के हाथों हमारा ये वतन बिक रहा है, वतन बिक रहा है। और कैसे, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों, नफरत की लाठी छोड़ो, लालच का खंजर फेंको, इसके पीछे मत दौड़ो, तुम देश के पंछी हो, देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, सम्मान करना है आगे आके दे दो। अब मैं तो स्टेज पे गा रही हूं, मैं आपके दौरे के ऊपर आऊं। और भाई 100 रुपए से हमारे अंकल जी मान सम्मान करते हैं रागनी पा, 101 रुपए से। और नंबर दूसरी कली में वो माँ उस बेटे से क्या कहने लगी सुनेगा। सारी जिंदगी मैं तेरे गीत सुनूंगी, सारी जिंदगी मैं तेरे गीत सुनूंगी, मान करते हैं। जोरदार ताली बजा दीजिए। हेलो, ऐसा एक गोरख धंधा बने जो आजादी का खिलाड़ी।
आज एक छोटे से बच्चा हो या बड़ा हो, अगर माँ के किसी बेटे को एक खरोच भी आ जाती है ना सजनों, तो उस माँ का ना कालजा टूट जाता है, हिल जाता है, पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है सजनों। एक वो भगत सिंह की माँ थी सजनों, भगत सिंह की कोई ज्यादा उम्र नहीं थी सजनों, 22-23 साल की उम्र में सजनों आपके और हमारे लिए वो फांसी के तख्ते पे झूल गया। और किसी ने लिखा कि हिंसा अगर परलय ना करती तो अहिंसा का मान ना होता, कि हिंसा अगर परलय ना करती तो अहिंसा का मान ना होता, अर्जुन गर कायर ना बनता तो गीता का ज्ञान ना होता, और उस भगत सिंह का अगर बलिदान ना होता तो चाहे कितने ही गांधी मर जाते आजादी का सहगाम नहीं होता, सहगाम नहीं होता। और किसी ने लिखा कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, कि ना गीता बुरी है ना कुरान बुरा है, कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, ना गीता बुरी है ना कुरान बुरा है, अरे बुरा तो वो इंसान है जिसका खुद का अपना ये ईमान बुरा है। सजनों इंसान दूसरे पे उंगली उठा देता है, अपने भीतर झांक कर नहीं देखता कि मैं कैसा हूँ, कैसा स्वभाव है, क्योंकि किसी ने लिखा कि भारत माँ का पूत लाडला इस दिल में बसना चाहिए से, कि भारत माँ का पूत लाडला इस दिल में बसना चाहिए से, और नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए से, सरदार छपना चाहिए से। और यहाँ हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, जो भी एक बार भगत सिंह को मानता है, अपना आइडियल मानता है, भगत सिंह को मानता है, वीर शहीदों को मानता है, तो एक बार जोरदार हाथ ऊपर उठा लो दोनों, क्योंकि अभी 23 मार्च भी आने वाली है, भगत सिंह की जयंती भी आने वाली है, उनके लिए भी। और 500 रुपए से मान सम्मान किया जी, नाम नहीं बताया, हाँ जी मनीष अग्रवाल जी, गुल्लू कलेक्शन, सोनू कलेक्शन, मनीष अग्रवाल जी, भाई 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं। और एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर मेरे साथ एक गीत गुनगुनाना है, और क्या दोनों हाथ ऊपर उठाकर, भाई जिसे मेरे ऊपर वाले ने एक हाथ दिया वो एक, जिसे दो दिए दो, और जिन्हें नहीं दिए तो उनके लिए मैं माफी चाहूंगी। पर सभी बड़े बुजुर्ग बैठे हैं हमारे, सभी VIP लोग बैठे हैं, कैमरा एक बार पीछे हिला लो, और दोनों हाथों पर उठा के और तालियां बजाकर, और क्या कहना है, दिल दिया लिया, जहां भारत माता गौ माता की पूजा होती है, ना तो अंग्रेजों में इंग्लैंड चले जाओ, पोलैंड चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, पता नहीं कहां चले जाओ, बिल्कुल जहां सजनों पड़ो की भी इज्जत नहीं होती। और हमारा ये भारत वर्ष जहां चार चार तरीके के तो मौसम होते हैं, और क्या लिखा, धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, पपीहा कोयल गाए, सावन घिर घिर आए,
सम्मान करते हैं चौधरी रणवीर सिंह रिटायर सूबेदार अध्यक्ष पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन यूनिट मोदी नगर गाजियाबाद। सज्जनों 100 रुपए से मान सम्मान किया, जोरदार ताली बजा दीजिए। क्या बात। हाँ अरे एक तो वो शहीद के सजनों जो आपके और हमारे लिए मर गए इस वतन के लिए, और एक आप हो जो इस वतन में रह रहे हो, उस वतन का खा रहे हो, उस वतन का पी रहे हो, तब भी तालियां नहीं बजा रहे। जोरदार ताली बजा दो एक बार। और आखिरी बात में और अंतिम कली में क्या लिखा कि मरना सबको है एक दिन, पर मरने से पहले कुछ अच्छा काम करके चले जाओ। आखिरी बात में क्या लिखा, बहुत बहुत धन्यवाद।